प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय पैलेंटोलॉजी का आपका सेकंड पेपर फॉसिल्स, और उस फॉसिल में भी आज का हमारा जो फाइलम वो है लैमेलिब्रेन्किया। लैमेलिब्रेन्किया या आप इसको पैलेसीपोडा के नाम से भी जानते हैं, पैलेसीपोडा के नाम से भी आप इसको जानते हैं। जिस तरह से ब्रैकियोपोड्स समुद्री प्राणी हैं, इससे पहले कि जो क्लास में हमने पढ़ा था, उसी तरह से ये जो लैमेलिब्रेन्क्स हैं ये भी समुद्री जीव हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं लैमेलिब्रेन्क्स के जो फ्रेश वाटर यानी अलवन जल में और कुछ स्थल पर भी ये मिलते हैं। ब्रैकियोपोड्स के समान ही ये लैमेलिब्रेन्क्स भी बाइवाल्विया होते हैं, यानी इनका शरीर भी जो इनका जो शेल है या कवच है वो बाइवाल्व होता है, यानी द्विकपाटीय होता है। लेकिन ब्रैकियोपोड्स की तरह ये वेंट्रल और डोर्सल नहीं कहला के ये लेफ्ट एंड राइट वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो ब्रैकियोपोड्स के समान ही लैमेलिब्रेन्क्स भी जो है वे बाइवाल्विया होते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि जो दोनों वाल्व हैं वो साइड से थोड़े से कंप्रेस्ड होते हैं, यानी साइडों से थोड़े से ये दबे हुए होते हैं, थोड़े कंप्रेस्ड होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, थोड़े कंप्रेस्ड होते हैं, ये थोड़े से दबे हुए होते हैं। और जिस मार्जिन से या जिस उपांत से ये दोनों वाल्व जुड़े रहते हैं उसको आप डोर्सल, और जिससे ये खुले हुए रहते हैं उसको वेंट्रल पार्ट या वेंट्रल मार्जिन आप इसको कहते हैं। इसी तरह से आगे की ओर यानी जो अग्र भाग है, एंटीरियर भाग है इसका वाइवाल्विया का, उसका जो मुख है वो एंटीरियर तथा जो पीछे का भाग है वो पोस्टेरियर मार्जिन के नाम से कह जाना जाता है, पोस्टेरियर मार्जिन और इंटीरियर मार्जिन। और इनके सबसे ऊपर एक बीक यानी जोन जैसी संरचना निकली होती है, जैसे कि ब्रैकियोपोड में आपने देखा था, उसी तरह से इन लैमेलिब्रेन्क्स में भी एक चोंच नुमा संरचना आगे की ओर निकली होती है जिसे अम्बो या कुकुट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों मार्जिन्स को जो जोड़ती है लाइन उसको हम, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, उसको आप हिंज लाइन या कॉर्डिनल लाइन के नाम से उसको आप जानते हैं। और जो इसके लिगामेंट्स हैं वो सॉकेट्स और टिप से ये जुड़े रहते हैं, जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं वो से जुड़े हुए रहते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रैकियोपोड्स के समान ही करीब करीब जो इनका शेल है या जो इनका कवच है वो ब्रैकियोपोड्स के समान ही होता है, जो डोर्सल और वेंट्रल ना होकर डोर्सल वेंट्रल मार्जिन के रूप में होता है। और इसको, इस वाल्व को हम राइट या लेफ्ट वाल्व के नाम से भी इसको आप जानते हैं। तो जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, जब हम इसकी आकारिकी की बात करेंगे, तो हम इसके वाल्व के ऑर्नामेंटेशन की बात करेंगे, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसकी, इसका ऑर्नामेंटेशन क्या है।
साथ में देखेंगे कि इसमें गिल्स की क्या संरचना है। ये लेमिलिप्रेंस की मॉर्फोलॉजी के ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये कहलाएंगे, जैसे उसका ऑर्नामेंट, उसके गिल्स, साथ में उसका मस्कुलर इंप्रेशन क्या है, मस्कुलर इंप्रेशन किस प्रकार का है, उसके लिगामेंट्स किस तरह के हैं, लिगामेंट्स उसका स्नायु है, और इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है लेमेलिब्रेंक्स का, वो होता है डेंटिशन, दंत विन्यास, कि उनके दांतों का विन्यास किस प्रकार से। तो जब हम ऑर्नामेंटेशन की बात करें, ऑर्नामेंटेशन है कि जो लेमेलिब्रेंक के का कवच है, जो शेल है, उस पर किस प्रकार की रेखाएं, किस प्रकार का अलंकरण हमें देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जब हम ऑर्नामेंटेशन की बात करते हैं तो हमें दो तरह के ओरिएंटेशन या ऑर्नामेंटेशन हमें देखने को मिलता है। एक का नाम है रेडियल, रेडियल, रेडियल मतलब अरी, और जो इसका दूसरा जो ऑर्नामेंटेशन है वो है कॉन्सेंट्रिक, यानी सकेंद्री, यानी कि केंद्र की तरफ हो, इस प्रकार का ऑर्नामेंटेशन भी देखेंगे, या इसमें रेडियल हो, अरी अरी हो, उस प्रकार के ऑर्नामेंटेशन होते हैं। यदि हम इसके कंसेंट्रिक ऑर्नामेंटेशन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रिसेस और ग्रॉस लेमेली ही आते हैं, रिसेस और ग्रॉस लेमेली। लेकिन यदि हम रेडियल की बात करेंगे तो रेडियल की बात करेंगे तो इस प्रकार की जो ऑर्नामेंटेशन है वो पोस्टेला के नाम से जानी जाती है, या पोस्टा के नाम से, पोएस्टा के नाम से ओरिएंटेशन जो है वो जाना जाता है। तो ये तो बात हुई इसके ओरिएंटेशन की। इसी प्रकार से ओरिएंटेशन के अलावा जब हम इसकी दूसरी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि हिंज लाइन या हिंज एरिया, तो ये जो दोनों वाल्व हैं, दोनों वाल्व पृष्ठ भाग पर एक एकांतर क्रम में स्थित टीथ यानी कि दांत और सॉकेट की सहायता से किसी एक लाइन पर जुड़े रहते हैं, जिसको कि हिंज लाइन, जिसके टीथ है और टीथ और सॉकेट की सहायता से ये जिस लाइन से मार्जिन से जुड़े होते हैं उसको आप हिंज लाइन कहते हैं, जो लंबी सीधी छोटी या वक्र हो सकती है। ऐसी जातियां जिनमें हिंज रेखा सीधी हो एवं हिंज रेखा और अंबों के बीच एक त्रिभुजाकार क्षेत्र हो तो उसे कॉर्डिनल रीजन भी आप कहते हो। इसी तरह से लिगामेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो करेक्टर है लेमेलिब्रेंक्स का, वो उसका लिगामेंट भी है। तो लिगामेंट के लिए आप कह सकते हैं कि कवचों के जो वाल्व हैं उनको खोलने के लिए जिन मसल्स की आवश्यकता होती है उसको आप लिगामेंट कहते हैं, जो बाह्य और आंतरिक दो प्रकार की होती है। तो जो बाहरी लिगामेंट है वो कॉन्कियोलिन नामक एक पदार्थ का बना हुआ होता है और उसमें कई सारी स्ट्रैंड्स होती हैं, स्ट्रैंड्स यानी उसमें एंठन होती हैं, और उस एंठन के आधार पर ही आप उसको एलिविनिकुलर या मल्टीविनिकुलर के नाम से आप उसको जानते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार से जो इंटरनल कैरेक्टर्स की यदि हम बात करेंगे तो उसमें हम उसके एडेक्टर मसल्स की बात करेंगे, और एडेक्टर मसल्स जो हैं ये दोनों वाल्व को बंद करने में सहायक होती हैं, तथा इनके बनने, जुड़ने से या बंद होने से जो इंप्रेशंस या छाप बनती है उनको एडेक्टर इंप्रेशंस कहा जाता है। यानी इन लिगामेंट्स या मसल्स की सहायता से
जिनकी सहायता से ये वाल्व खुलेंगे या बंद होंगे उनको आप एडेप्टर इंप्रेशंस कहते हैं, और आगे का जो भाग है वो इंटीरियर एडेप्टर मसल्स कहलाता है, और जो पीछे का भाग है वो पोस्टीरियर एडेप्टर इंप्रेशंस, या इसको आप अभिवर्तनी छापे भी कहते हैं। यानी जिन मसल्स की सहायता से ये जुड़ती हैं उनको एडेप्टर इंप्रेशंस कहा जाता है, और ये इंप्रेशन जो है वो वृत्ताकार या अंडाकार इत्यादि हो सकती हैं, है ना। और कई लैंग जो लैमेली ब्रैंक में इनमें दोनों इंप्रेशंस पाई जाती हैं, कई में तो एक मिलेगी लेकिन कईयों में दोनों प्रकार की इंप्रेशंस मिलती है। इसके अलावा जो इनका एक और स्पेसिफिक करेक्टर है लैमेली ब्रैंक का वो है डेंटिशन। डेंटिशन यानी इनके दंत विन्यास, इनमें दांतों का विन्यास क्या है। तो दांतों की संख्या और उनके आकार प्रकार के आधार पर ही इनका डेंटिशन होता है, दंत विन्यास इनका होता है। और ये कई प्रकार के दंत विन्यास जो है वो आपके कई प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे टैक्सोडोन, टैक्सोडोन, टेलीडोन, इसके अलावा स्काइजोडोंट, तो स्काइजोडोंट के अलावा आपका आइसोडोंट, ये इनके नाम है। जैसे टैक्सोडोंट का हिंदी में नाम है बहुदंती, यानी कि बहुत ज्यादा यदि दांत हैं लगभग 32-34 के आसपास यदि टीथ पाए जाते हो तो वो टैक्सोडोंट कहलाते हैं। और ये एक समान आकार के छोटे छोटे दांत हैं, और ये सॉकेट्स होते हैं, गर्त होते हैं, जो हिंज लाइन के लंबवत होते हैं। और इस प्रकार के जो है डेंटिशन आपको मिल जाएंगे आर्का में, न्यूक्यूला में, इसमें आपको मिलेंगे। उसी तरह से जो टेलीडोंट है, टेलीडोंट इसमें असमान आकार के दांत होते हैं, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं वीनस, जो वीनस है, वीनस जो फॉसिल्स है उसमें आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से साइजोडोंट जो डेंटिशन है इसमें दांत आकार और आकृति में परिवर्तनशील होते हैं, दांत थोड़े से इनके मोटे होते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप जैसे ट्राइगोनिया, मायोफासिया, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह से जो आइसोडोंट है, आइसोडोंट में समान एक समान आकार के होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं इनके दांत, जिसको कि एग्जाम्पल के रूप में आप स्पोंडिलस का नाम आप ले सकते हैं, कि जो स्पोंडिलस जीवाश्म है उसमें आइसोडोंट प्रकार का डेंटिशन मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेंटिशन हैं, जैसे डाइसोडोंट, पेंटोडोंट, स्लाइकोडोंट, एस्थिनोडोंट, ये इस प्रकार के और भी बहुत सारे डेंटिशन जो है वो इसमें लैमेली ब्रैंक्स में पाए जाते हैं। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, तो हम जो इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जिनकी हमने अभी चर्चा की है, जैसे गिल्स का क्या स्ट्रक्चर है ना, क्लासिफिकेशन करें इनका आधार क्या होना चाहिए, हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आधार, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, जो गिल्स है उसकी क्या संरचना है, मस्कुलर इंप्रेशंस किस प्रकार का है, पोस्टीरियर है या इंटीरियर है, उसके बिहाव पर लिगामेंटल फीचर क्या है, इनका जो स्नायु है, इनकी पेशियां हैं खुलने और बंद होने की वाल्व की है, उस फीचर के आधार पर, और डेंटिशन दंत विन्यास यानी दांतों के विन्यास के आधार पर लैमेली ब्रैंक को हमने जो क्लासिफाई किया है, उसमें उसका जो फाइलम है वो है मोलस्का, उसकी जो क्लास है लैमेली ब्रैंक, या उसको आप पैलेसिपोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऑर्डर लैमेली ब्रैंक के तीन ऑर्डर है, तीन गण है, जिनका नाम है टैक्सोडोंटा, यूलैमेली ब्रैंक और एन आइसोमारिया। तो ये इसके क्लासिफिकेशन के लिए हम ये चीजें कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करें इसकी जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
हमें सभी फॉसिल्स का जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देना होता है भूगर्भीय वितरण की, भूगर्भ की दृष्टि से इनका वितरण, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में ये जो टाइम पीरियड है जियोलॉजी का, उसमें ये लेमुरियन्स कब इनकी उत्पत्ति हुई, कब ये अपने चरम के विकास के चरमोत्कर्ष पर थे, कब ये विलुप्त होना शुरू हुए, तो ये हम इनके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, सभी फॉसिल्स के जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं। तो लेमुरियन्स के जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि लेमुरियन्स सर्वप्रथम स्पेन के मध्य कैम्ब्रियन रॉक्स में पाए गए, और टैक्सोडेंट जो लेमुरियन्स थे वो लोअर ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड में, और आपका जो ये टेलीडोंट लेमुरियन्स हैं यानी कि विषमदंती लेमुरियन्स हैं वो सिलूरियन टाइम पीरियड में सर्वप्रथम पाए गए। सीनोजोइक महाकल्प में लेमुरियन्स महत्वपूर्ण रहे, परंतु इनका चरम विकास टर्शियरी टाइम पीरियड में हुआ, तृतीय महाकल्प में हुआ। इस कल्प की कुछ प्रमुख जीवाश्म जातियां जैसे ट्राइगोनिया, कॉर्डिटा, टेरिडो, माइटिलस, पेक्टेन और आर्का इत्यादि हैं, और जो फ्रेश वाटर या अलवन जल में रहने वाले जीवाश्म कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में सर्वप्रथम पाए गए, और इनके उत्तम अवशेष नहीं पाए जाने के कारण लेमुरियन्स अच्छे सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल्स नहीं कहलाए, लेकिन कुछ ऐसे जीवाश्म जैसे एक्सोगायरा, ग्राफिया, आइनोसिरेमस इत्यादि जो है वो अच्छे जीवाश्मों के रूप में इनकी गिनती होती है। तो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कह सकते हैं कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और जो सीनोसाइक टाइम पीरियड है उसमें इनका विकास सबसे अधिक हुआ, और लेमुरियन्स गाइड फॉसिल्स या इंडेक्स फॉसिल्स के रूप में इनकी पहचान ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं फॉसिल्स जिनकी हमने चर्चा की, ट्राइगोनिया वगैरह, जो एक अच्छे जीवाश्म के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लेमुरियन्स की जो मॉर्फोलॉजी है, जो उनका क्लासिफिकेशन है और उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप आसानी से इतनी चर्चा कर सकते हैं। आगे क्लास में हम इसी मोलस्का फाइलम की ही सिफेलोपोडा या गैस्ट्रोपोडा की चर्चा करेंगे।